हेलो स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल गुड इवनिंग टू एवरीवन। आज के नए लेक्चर में आप सीखने वाले हैं पैसिव वॉइस ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। आई हैव टोल्ड यू मेनी टाइम दैट ऑब्जेक्ट ऑफ एक्टिव बिकम सब्जेक्ट ऑफ पैसिव एंड सब्जेक्ट ऑफ एक्टिव बिकम्स ऑब्जेक्ट ऑफ पैसिव। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में इसका रूलिंग क्या है आपको पहले रूल देखना है। देखते हैं, इस टेंस में पैसिव वॉइस बनाते समय सब्जेक्ट के अनुसार हेल्पिंग वर्ब हैज बीन हैव बीन, कौन सी हेल्पिंग आएगी इसमें, हैज बीन और हैव बीन। हैज बीन हैव बीन के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म ठोक देते हैं। देख लेते हैं इस तरह करते हैं। पहला ही सेंटेंस एक्सीलेंट सेंटेंस होने वाला है क्योंकि पहले सेंटेंस में दो ऑब्जेक्ट हैं, एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। आपको समझना है कौन सा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है कौन सा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। पहला सेंटेंस है ही हैज टोल्ड अस इंग्लिश, वह हमें अंग्रेजी पढ़ा चुका है, तो जो ऑब्जेक्ट लास्ट में होगा वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा और जो ऑब्जेक्ट उससे पहले होगा वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। पहले हमने इसकी पैसिव वॉइस बनाई इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से, तो देख लेते हैं। आज का सब्जेक्ट वी, वी इज ए प्लूरल नंबर, वी बहुवचन है, इसलिए क्या प्रयोग करेंगे, हैव बीन। वी हैव बीन टोट इंग्लिश बाय हिम, हमें अंग्रेजी पढ़ाई जा चुकी है उसके द्वारा। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के वाक्य बहुत आसान पढ़ते हैं क्योंकि इसमें आपको थर्ड फॉर्म सर्च करना नहीं पड़ता, थर्ड फॉर्म इसमें रखी हुई मिलती है। क्योंकि परफेक्ट टेंस जितने भी परफेक्ट टेंस के जितने पार्ट होते हैं, चाहे वो प्रेजेंट परफेक्ट हो, चाहे पास्ट परफेक्ट हो, चाहे फ्यूचर परफेक्ट हो, सभी में थर्ड फॉर्म रखी हुई होती है। तो पहला सेंटेंस दोबारा फिर देखते हैं, ध्यान से देखिए, आप एक एक सेंटेंस को ध्यान से देखिए। ही हैज टोल्ड अस इंग्लिश, वे हमें अंग्रेजी पढ़ा चुका है, या ये भी कह सकते हैं उसने हमें अंग्रेजी पढ़ाई है, क्योंकि इसके वाक्यों के अंत में हिंदी वाक्य आता है, चुका है, चुकी है, चुके हैं, लिया है, दिया है, गया है, आदि सब आते हैं। तो इसमें अस जो है इंडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, अस से बढ़ाएंगे, अस का सब्जेक्ट वी हो गया, वी के साथ हेल्पिंग हैव बीन का प्रयोग करेंगे। वी हैव बीन टोट की थर्ड फॉर्म टोट इंग्लिश बाय हिम, इंग्लिश बाय हिम, हमें अंग्रेजी पढ़ाई जा चुकी है उसके द्वारा। अब देख लेते हैं वेरी एक्सीलेंट सेंटेंस, अब देखते हैं डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है, इंग्लिश है, क्योंकि इंग्लिश एक सब्जेक्ट का नाम है, ये सिंगुलर नंबर है, तो इंग्लिश हैज बीन, इसलिए हैज बीन का प्रयोग करेंगे। हैज बीन टोल्ड टू अस, सबसे अमेजिंग बात जो है इसमें आपको देखना है, एक्टिव वॉइस में टू नहीं था, पैसिव में टू कहां से आ गया, तो आपको इस बात का ध्यान रखना है, कोई से भी टेंस की पैसिव बना रहे हैं आप और उसमें दो ऑब्जेक्ट हैं, तो अगर आप डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से पैसिव बनाते हैं तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से पहले टू आपको खुद लगाना पड़ता है। देखिए आप पैसिव में टू अपने आप लगाना पड़ेगा। इंग्लिश हैज बीन टोल्ड टू अस बाय हिम, हमें अंग्रेजी पढ़ाई जा चुकी है उसके द्वारा। अब देख लेते हैं दे हैव नॉट बिटन अस, ये एक नेगेटिव सेंस है, नेगेटिव मूड का वाक्य है, नेगेटिव मूड में क्या कर देंगे, हैज नॉट बीन हैव नॉट बीन, हैज हैव के तुरंत बाद नॉट ठोक देंगे, बीन को बाद ले जाएंगे, बाद में ले जाएंगे। देखते हैं दे हैव नॉट बिटन अस, उन्होंने हमें नहीं पीटा है, या वे हमें नहीं पीट चुके हैं, किसी भी तरह से कह सकते हैं। वी असल सब्जेक्ट वी हैव नॉट बीन बिटन, हम नहीं पीटे जा चुके हैं, बाय देम उनके द्वारा, हम नहीं पीटे गए हैं या पीटे जा चुके हैं उनके द्वारा, किसी भी तरह कह लीजिए आप, चुका है, चुकी है, चुके हैं, लिया है, दिया है, गया है, खाया है, पिया है, इसकी पहचान होती है। आप देख लेते हैं इंट्रोगेटिव सेंस का वाक्य, इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप, जैसा कि आप जानते हैं इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप में कोई भी टेंस हो हेल्पिंग वर्ब क्या के लिए सबसे पहले आती है, सबसे पहले हेल्पिंग आती है। तो देख लेते हैं हैज ही नॉट कॉल्ड यू, क्या उसने तुम्हें नहीं बुलाया है, या ये भी कह सकते हैं क्या वह तुम्हें नहीं बुला चुका है, तो इसमें ऑब्जेक्ट यू है, तो क्या करेंगे, क्योंकि यू सब्जेक्ट बनकर इधर आएगा, तो यू के अनुसार क्या जाएगा शुरू में, हैव, क्यों आ जाएगा, क्योंकि यू इज ए प्लूरल नंबर, यू प्लूरल नंबर है। हैव यू नॉट बीन कॉल्ड बाय हिम, क्या तुम नहीं बुलाए जा चुके हो उसके द्वारा। डियर स्टूडेंट आपको ध्यान से देखना है,
क्योंकि मैं अभी इसका टेस्ट लेने वाला हूं आपको इस टेंस का। पहले आप इसे बोर्ड से उतार लोगे, उसके बाद आपको टेस्ट देना है इसका। तो ये नहीं कहते हो रहा है, आपको उसका टेस्ट भी देना है भी। आपको ध्यान से देखना मैं क्या पढ़ा रहा हूं, आप इसे तमाशा मत समझिए, ध्यान से देखिए आप। अब आगे देखिए आप, हैज ही नॉट कॉल्ड यू, क्या उसने तुम्हें नहीं बुलाया है, क्योंकि यू इसमें ऑब्जेक्ट है, पूर्ण नंबर है। हैव यू नॉट बीन कॉल्ड, क्या तुम नहीं पढ़ाए गए हो। बाय हिम, उसके द्वारा, क्या तुम उसके द्वारा नहीं पढ़ाए गए हो। अब देख लेते हैं, व्हाई हैज ही नॉट संग ए सॉन्ग, वह गाना क्यों नहीं गा चुका है। ये भी कह सकते हैं, उसने गाना क्यों नहीं गाया है, उसने गाना क्यों नहीं गाया है। व्हाई हैज ए सॉन्ग नॉट बीन संग बाय हिम, एक गाना क्यों नहीं गाया है उसके द्वारा। समझ में आई बात। अब देख लेते हैं सबसे इंपोर्टेंट वाक्य, हु वाला वाक्य, जिसमें स्टूडेंट अक्सर कंफ्यूज रहते हैं। हु वाला सेंटेंस बोर्ड एग्जाम में, इंग्लिश कंपटीशन में अक्सर पूछा जाता है, क्योंकि हु का ऑब्जेक्ट बाय हुम होता है। हु हैज कॉल्ड मी, मुझे किसने बुलाया है। देखो, देखिए ध्यान से देखिए आप, क्योंकि हु का ऑब्जेक्ट बाय हुम शुरू में आ जाएगा। इन सभी वाक्यों में बाय बाद में आया है, लेकिन हु वाले में शुरू में रखा जाएगा बाय हुम, क्योंकि मी जो है, मी का सब्जेक्ट आई, आई इसमें पूर्ण नंबर में काउंट होता है, इसलिए हैव आई, हैव आई बीन कॉल्ड। डियर स्टूडेंट, मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूँ, आजकल के स्टूडेंट सब्जेक्ट में बहुत गलती करते हैं। उनसे किसी ने पूछा उन्होंने की क्या अंग्रेजी होती है, तो गोल हो जाते हैं, क्या कहते हैं, उन्होंने तो किसी ने बताया नहीं, दे मीन्स वे या उन्होंने, मैं सभी सारे बता रहा हूँ आपको। आई मीन्स मैं या मैंने, वी मीन्स हम या हमने, यू मीन्स तुम या तुमने, दे मीन्स वे या उन्होंने, ही मीन्स वह या उसने, पुल्लिंग के लिए मैस्कुलिन जेंडर के लिए, सी मीन्स वह या उसने, स्त्रीलिंग के लिए फेमिनिन जेंडर के लिए, इट मीन्स यह है। तो डियर स्टूडेंट, इस तरह की जानकारी के लिए हमारे अपने चैनल, अपने स्वयं के चैनल, अपने अक्षेत्र के चैनल, स्पोकन इंग्लिश चैनल जलालाबाद को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। दैट्स ऑल फॉर द डे, हैव ए नाइस डे।